फिर लोग आपको बड़ा होप के साथ देखते हैं, उनको लगता है कि अभी आया है ढूंढते ढूंढते यहाँ पेरेंट का स्टूडेंट तो रूम वगैरह लेगा क्योंकि। व्हाट्सअप गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू टूडेज ब्लॉग। दिस इज नीरज दत्तंग दिस साइड एंड यू आर वाचिंग क्रेजी मैटिक। ये वाला ब्लॉग काफ़ी पहले शूट हुआ था जब भी मैं कोटा में ही था। आपको ये बात भली भांति पता है कि मैं कोटा से क्यों आया हूँ। अगर आप चैनल पे नया आए तो मेरा दूसरा वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, उसका रीज़न दिया हुआ है यहाँ पे कि मैं कोटा से क्यों आया था। एंड द सेकेंड थिंग वाई आई एम शेयरिंग दिस वीडियो इज़ कि ये वाला वीडियो हालाँकि है तो नहीं कुछ खास, क्योंकि मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया था। सोचा तो था कि प्रॉपरली मैं जा करके प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि भाई जब कोटा गए तो हॉस्टल कैसे ढूंढना है, रूम कैसे ढूंढना है। ये डिफिकल्टी होती है, हर किसी के साथ होती है, नया में हर किसी के साथ होता है। जब मैं भी पहली बार कोटा जा रहा, मेरे पेरेंट्स को भी इस बात का डर था कि रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा, ना महंगा होगा सस्ता होगा, क्या रेट होगा, कैसे पहुँचेंगे कोटा तक। हर किसी का एक वीडियो बनाया हुआ है मैंने चैनल पर ये वाला वीडियो मैंने बनाना इसलिए चाहता है ताकि मैं आपको बता सकूं कि हॉस्टल कैसे ढूंढ सकते हैं, हॉस्टल का क्या रेट होता है। ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन रहा है कि हॉस्टल का रेट क्या होता है। तो भाई हॉस्टल का अगर नॉन एसी रूम लेते हो आप तो आपको 9000 तक में हो जाएगा। अगर आप एसी रूम लेते हो तो 12000 15000 जैसा आप रूम ढूंढोगे पैसा पे करना पड़ेगा। बेसिकली कोटा सिर्फ और सिर्फ मैजिक बिजनेस है, जो मैंने कई बार वीडियो में बोला भी है। जो स्टूडेंट है उस बीच में सक्सेस कर गया उसके लिए सक्सेस है, नहीं तो बाकी तो जुआ का खेल है पूरा। जो बच्चा पढ़ गया सो पढ़ गया, जो ना पढ़ा उसके लिए तो बस पैसा बर्बाद, क्योंकि मिनिमम एक साल में आपको मिनिमम 1.25 लाख तो आपका एलएनयू ले लेता है पर स्टूडेंट। और उसके बाद कम से कम आप रखिए कि 5-10, अगर आप रूम लेकर के रहते हो तो मेरे को रूम में 5000 पड़ रहा था रेंट का, और खाना का 2500 से 3000 रुपया रखिए तो 8000 रुपया पर मंथ, तो 12 × 6 में 96,000 यानी 1 लाख रुपया बस आपको ऐसे फूडिंग एंड लॉजिंग खर्च हो जाएगा। 1.25 लाख रुपया आपका पर ईयर लगता है एलन में। और उसके बाद आप मिसलेनियस में आप कम से कम 30,000 रुपये रख लीजिए, दवाई का खर्चा, खाना का, जूस वगैरह लीजिए आप, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लिए आप, उसका कॉस्ट पड़ जाएगा। मेरे को करीबन 2.25 लाख रुपया पर ईयर पड़ता था। मैं 2 साल रहा हूँ पर मैं पूरा 2 साल रह नहीं पाया, पर मेरा जो एवरेज खर्च था वो इसी के अप्रॉक्स था। अब बात रही फीस की, इंस्टीट्यूट के फीस की, वो तो हर बार चेंज होते रहता है और उन सब के बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो अगर आप चाहोगे तो आपके क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं एक वीडियो प्रॉपर बनाने वाला हूं, जो कि बहुत जल्द इसी चैनल पे आएगा। हालांकि ये वाला वीडियो काफ़ी लेट आ रहा है, आई एम सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इतनी ख़राब थी कि मैं कुछ क्या बताऊँ आपको, रहने देते हैं अभी। तो ये वाला वीडियो बेसिकली उतना इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके व्यू से। लेकिन अगर आप एक ब्लॉग देखते हो, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हो या किसी के लाइफस्टाइल को आप देखना चाहते हो, फॉलो अप करना चाहते हो, तो हर किसी के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। मैं गया था हॉस्टल ढूंढने के लिए, हॉस्टल देखने के लिए, पर अफसोस कि मैं पूरा वीडियो कर नहीं पाया, पर जितना ही किया हूँ यार प्लीज़ देख लेना अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आपका धन्यवाद है मेरे चैनल पर आने के लिए। एनीवेज मेरे को यहाँ कोटा बार रोड में आए हुए अभी तक तकरीबन 15 to 20 डेज हो चुका है। तो इतने दिनों में मैंने एक चीज़ तो सीख लिया, मतलब कि अगर आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करते हो तो आपको वो चीज़ें काफ़ी अटपटी लगेगी। सो वी आर गोइंग टुडे फॉर एक्सप्लोरल पार्क, क्योंकि कोरल पार्क अपने आप में एक सिटी है जिसे एलन ने खुद अपने से पूरा बेस दिया है। तो एक्चुअली क्या है कि एलन का एक पर्टिकुलर सा बड़ा सा एरिया, जैसे लैंडमार्क सिटी या कुन्हारी में अगर आप कभी गए होंगे तो आपको पता होगा, जैसे लैंडमार्क सिटी या कुन्हारी में उसी तरह से कोरल पार्क को जो बनाया गया है यहाँ पे सुपथ में। तो टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दैट एरिया। अभी क्या है कि सारा चीज़ कंस्ट्रक्शन में ही चल रहा है, पूरी कोरल पार्क अभी बन ही रही है। एक्चुअली क्या है जैसे एलन का क्या है कि पूरा फ्लोर वो मतलब एक प्लॉट लिया हुआ, खरीदा हुआ बहुत बड़ा सा प्लॉट। जब एलन उस समय खरीदा था उसमें उस प्लॉट का दाम तकरीबन 200 से 250 करोड़ था। अभी जैसे मेरे को सुनने में आता कि 500 करोड़ से प्लस जा चुका है। ज़मीन तो रखा हुआ हीरा होता है। एलन को तो क्या है, एलन को इन चीज़ों का फर्क नहीं पड़ता, बस मैं ऐसे फॉर कैजुअल पर्पज़ बता दिया। तो एलन ने वो वाला जो लैंड वाला हिस्सा है जो खाली पड़ा हुआ उसको एलन ने सेल कर दिया पार्ट बाय, जिसके अंतर्गत वहाँ पर सारे हॉस्टल्स बनाए जा रहे हैं, जो गर्ल्स हॉस्टल है या फिर रेसिडेंसीज हैं सारे, मतलब एक प्रॉपर एक सिटी की तरह उसको एस्टेब्लिश करवाया गया। तो टुडे वी विल गो टू एक्सप्लोर दैट। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और आज ही मेरा पहला टेस्ट भी था, वो वाला भी वीडियो आएगा। लेकिन मेरे को लगता है कि दोनों वीडियो आते आते थोड़ा टाइम हो चुका होगा, एटलीस्ट 1 महीना तो निकल ही जाएगा या फिर 15 कम से कम 20 दिन तो वीडियो आते आते निकल ही जाएगा, क्योंकि मैं एक वीडियो पर वीक डालता हूँ। तो इस वाले ड्रेस में मैंने अभी तक बहुत सारे ब्लॉग बना दिए हैं, लाइक तकरीबन 4-5 ब्लॉग में लगातार बैक टू बैक इसी ड्रेस पे आ गया। तो लेट्स चेंज इट। नाउ वी आर ऑल सेट टू गो। टर्न ऑफ स्विच 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 स्विच। दिस इज एलन। वो है कोरल पार्क का रास्ता। यहाँ से यही वाला गाँव दिखाया था मैंने फ्रेम में आपको। और ये वाला रास्ता तो रांधा हॉस्टल तक जाता है। ये वाला हिस्सा शायद एलन से बाहर का हिस्सा है, पर ये वाला जो दिखाऊंगा अभी ये वाला पूरा प्रॉपर एलन के अंदर आता है। का पूरा सेटअप जो है एलन की तरफ से किया गया है। वी हैव स्पॉटेड अ स्ट्रांग मैनेजमेंट ऑफ एलन। ये पीछे जो देख रहे हैं आप, ये पूरा बिजली का कनेक्शन है। ये एलन अपने बल पे, मतलब अपने बलबूते पे लाया है। ये यही वाला कनेक्शन पूरे गांव में सप्लाई होगा अभी आने वाले कुछ दिनों में। अभी क्या, अभी लाइट कटती रहती है, कटती आती है, पर आने वाले कुछ समय में ऐसा हो जाएगा लाइट कभी कटेगी ही नहीं, लाइक कंस्टेंट रहेगा। जैसे जहाँ जिस भी इलाके में अभी एलन का पूरा मैनेजमेंट है वहाँ पर लाइन रहता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ना होता है, सेल्फ स्टडी करना होता है रात में, तो लाइन कटना नहीं चाहिए। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। और हमारा पॉजिटिव पॉइंट है क्योंकि हम लोग के रूम पे वो लगा हुआ है, इन्वर्टर लगा हुआ है। सिर्फ जेसीबी है, वो जेसीबी एक जेसीबी दूसरा जेसीबी सब लगाए हुए। जैसे ज़मीन में प्लॉट खाली है, ये वाला प्लॉट खाली है अभी, ये वाला भी प्लॉट खाली है। सारे प्लॉट को जैसे इसको खोद दिया गया है, अभी सारे प्लॉट को खोदा जाएगा, फिर इसमें इसी तरह का बिल्डिंग बनेगी। यहाँ पे लोग आपको बड़ा होप के साथ देखते हैं। उनको लगता है कि अभी आया है ढूंढते ढूंढते यहाँ पे एलन का स्टूडेंट तो रूम वगैरह लेगा, क्योंकि तो सब जगह इसी तरह हॉस्टल बना हुआ है। इधर भी सबका एक उम्मीद जग जाता है कि वाह आ गया बच्चा आ गया, पर हम लोग तो बस मस्ती करने के लिए इधर आए हैं। वी हैव कम ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेट। वहाँ से हम लोग शुरू किए थे, बस थोड़ी देर में भी ख़त्म होने वाला है। मज़ा नहीं है, पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वी आर लॉस्ट विथ कंटेंट। अपने को कंटेंट ही नहीं दिख रहा, क्या दिखाऊं क्या करूं। हम लोगों को क्या अगर प्रॉपर एक करना है हेल्प। आप लोग को भी मज़ा नहीं आ रहा होगा। अगर प्रॉपर करना होगा तो हम लोग को किसी ना किसी हॉस्टल में जाना होगा, फिर वहाँ पे प्रॉपर हॉस्टल वगैरह दिखाऊँगा, तब फिर आपको भी थोड़ा सा फील आया कि नहीं थोड़ा मज़ा आया। तो उसके लिए पहले लगता है मेरे को फ्रेंड बनाना पड़ेगा या फिर हॉस्टल मालिक से बात करना पड़ेगा। वी विल डू दैट। और इसी वीडियो में आगे ऐड करके उसको एडअप करके उस वीडियो को पब्लिश करूँगा एक ही बार में, क्योंकि टूटा वीडियो मज़ा नहीं आएगा फिर। साला पता नहीं सांस का फूल जाता है। कंस्ट्रक्शन साइट 1 ऐसे बहुत सारे साइट हैं, जरूरी नहीं कंस्ट्रक्शन साइट 1 ही है ये। अनफॉर्चुनेटली उसी दिन रात में मेरे को ट्रॉमेटिक अटैक आया और मैं लगातार 3 से 4 बार लगातार अनकॉन्शियस होता चला गया। और इस वजह से हमारे को मतलब मैं वापस घर आ गया और ट्रीटमेंट चलने लगा। आई एम नॉट क्वाइट वेल राइट नाउ, बट स्टिल पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ। ये मेरा दूसरा बार था कोटा में और लाइफ काफ़ी बेहतर जा रहा था। और कहते हैं ना, जो होना होता है वो होके ही रहता है। अनफॉर्चुनेटली हर चीज़ गलत होने लगा अचानक से और फिर मेरे को वापस घर आना पड़ा। इसके लिए आप लोग ऑनलाइन स्टडीज़ करो, कोटा के लिए कम सोचो। करेंटली आप फोकस करो कि आप अपने करंट स्टडीज़ को कैसे फॉरवर्ड ले जा सकते हो। मैं भी अपना एक चैनल स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं अपने स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ अपलोड करूँगा। मैंने उस चैनल का लिंक नीचे दे दिया है और फीचर में भी वो चैनल दिख जाएगा आपको, और ऊपर पर यहाँ पर भी वो लिंक आ रहा होगा। जरूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं अगर ये वाला वीडियो आपके लिए यूजफुल नहीं था तो नेक्स्ट वाला वीडियो डेफिनेटली यूजफुल होगा, आई प्रॉमिस। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन को नीचे ड्रॉप कर दीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, स्प्रेड लव, स्प्रेड हैप्पीनेस। और हाँ, कोविड-19 का डर भाई फैला हुआ है। जब दिल्ली जैसे जगहों पर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा तो नॉर्मल जगह पर क्या होगा आप सोच ही सकते हैं। तो अपना सावधानी आप खुद बरतें। Till then, be safe, be happy, bye. You left my heart in pain. सुनना है तो सब्सक्राइब करो। कुछ भी बोलते हो।